अभी हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन, ठीक है। ये 12वीं मैथ्स का, एनसीईआरटी बुक का, 12वीं मैथ्स का अभ्यूह का चैप्टर 3 का 3.3 देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इसने पहला क्वेश्चन दिया है, 2x3 अभ्यूह की रचना कीजिए जिसमें IV पंक्ति तथा JV स्तंभ की अवयव AIJ इक्वल टू 2i+3j अपॉन 2 से दिया जाता है। देखो, मैं ऑर्डर बताने के लिए मैं बोल रहा था कि अभ्यूह 2x3 हम लोग को निकालना है। 2x3 का मतलब क्या है, ये जो है ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, मीन्स उसमें दो पंक्ति होगा और तीन स्तंभ होगा, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है कि 2i+3j इक्वल टू 2, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना है और हम लोग का जो आंसर जो है वो आते जाएगा। मान लो वैल्यू 1 पुट किए, ठीक है, और 2 पुट किए, 3 पुट किए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो आते जाएगा, ठीक है। हाँ, जहां पे आई और जे का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। मीन्स मान लो आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का जो वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि A11 निकाले, A11, ठीक है। अब देखो, ये आई जे के जगह, आई के जगह हम लोग वन रखेंगे, जे के जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे, ठीक है। तो 1 1 मीन्स 2+3/2, तो कितना आएगा, 5/2, ये 1 1 आ गया जी, ठीक है। अब जैसे कि A12 निकालते हैं, A12 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3+3 × 2 6/2, मीन्स 8/2 इक्वल टू क्या आ गया, 8/2 4 आया, ठीक है। A12 का वैल्यू कितना आया, 4 आया। वैसे ही A13 निकालते हैं, A13 में क्या आएगा बताओ, आई के जगह क्या रखेंगे, 1, और जे के जगह क्या रखेंगे, 3, तो 2+3 × 3 9/2 मीन्स 11/2 आया, ठीक है। A13 आ गया। आप A21 निकालते हैं, ठीक है। A21 निकालेंगे तो क्या होगा, एक के जगह किसके, आई के जगह 2 और जे के जगह 1, ठीक है। तो 2i मीन्स 2+2 4 और +3 4+3/2 मीन्स 7/2, ठीक है। अब A22 निकालते हैं, A22 इक्वल टू क्या होगा, आई के जगह भी हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और जे के जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 × 2 4+3 × 2 6/2 10/2 मीन्स क्या आया, 5 आया। वैसे ही A23 निकालते हैं, ठीक है। A23 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के जगह, आई के जगह 2 मीन्स 4, और 3 के जगह, सॉरी, जे के जगह 3, 3 × 3 = 9/2 मीन्स 13/2, ठीक है। हम लोग को क्या मिल गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। अब हम लोग को क्या पंक्ति निकालना है, 2x3 ऑर्डर में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना टू है, पंक्ति एक और दो पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, 1 2 3। तो ये आंसर हुआ क्या मेरा, 2x3 तो हो गया जी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो तो यही हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, और सारा क्वेश्चन 3.3 का ऐसे ही बनेगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2, और A12 का कितना होगा, 4, A13 का 11/2, A21 का कितना होगा, 7/2, 5, 13/2, ये है आंसर, ठीक। अब इसमें देखो, थर्ड का फोर्थ, इसमें 3x4 में निकालने वाला है, ठीक है। 3x4 मीन्स क्या निकलेगा, A11, A12, A13, A14, वैसे ही सबका निकलेगा कितना, 3, जहां पे 3 क्या है, पंक्ति है, और 4 क्या है, स्तंभ है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या दिया, देखो 1/2, और ये क्या है, सारणिक है, हम लोग को ये सॉल्व करना है, ठीक है। सारणिक में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर तो जोड़ घटाव है तो जोड़ घटाव कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि दो सारणिक दिया है, जैसे कि A11 A12 दिया है,
a21 a22 दिया है, ठीक है। तो ये सारणी कैसे सॉल्व करते हैं, a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12 ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसका मल्टीप्लाई होता है, सारणी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या है, सारणी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम लोग का सारणी का यूज है, वो सारणी का यूज मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं, a11 निकालते हैं। तो a11 मीन्स i की जगह 1, j की जगह क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक। और 3 - 3 + 1 मीन्स 1/2 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर में डिवाइड हो जाएगा मीन्स -1 हो जाएगा, ठीक है। ए अब क्या हो जाएगा, a11 हो गया, a12 का 1/2 -3, अब इसके जगह 2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 -1 बचा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड होगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a13 निकालते हैं, a13 मीन्स 1/2, अब i की जगह क्या रखेंगे, -1 - क्या हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो -3 होगा, और j की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जब 0 आएगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अगर a14 निकालें, a14 का क्या होगा, a12 अब i की जगह क्या होगा 1 मीन्स -3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, यहाँ 1 बचा मीन्स 1/2 आ गया, ठीक। वैसे ही a21 निकालो, a21 इक्वल टू i की जगह क्या होगा 2 होगा, j की जगह क्या होगा 1 होगा, 1/2 i की जगह 2 मीन्स 6 + 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5 मीन्स क्या हो जाएगा, -5/2। a22 क्या निकलेगा, a22 निकलेगा 1/2, ठीक है, मीन्स -6 + 2 माइनस क्या बचेगा, -4/2 मीन्स -2 बचेगा, a23, तो a12, ठीक है, 2, 3 -6 + j के जगह क्या हो जाएगा 3 मीन्स -3/2, a24 क्या आएगा 1/2, i की जगह क्या है -2 मीन्स -6 + 4 मीन्स माइनस, देखो यहाँ पे -2 बचेगा -2/2 माइनस यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। वैसे ही निकालो a31 a32 a33 a34, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 × 4 का, ठीक है। तो चलो a31 निकालते हैं, a31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 3 × 3 - 9 + j मीन्स 1, तो क्या होगा -8/2 मीन्स -4। वैसे ही a32 क्या होगा, a32 हो जाएगा 1/2, ठीक है, और i की जगह क्या होगा 3 मीन्स -9 और उसके जगह 2 माइनस, तो क्या होगा -7/2 हो जाएगा। a33 निकालो, a33 क्या होगा -9 + 3 -6/2 मीन्स -3 आएगा, ठीक है, 1/2 -9 + 3 मीन्स -6/2 क्या होगा -3 आएगा। a34 क्या होगा 1/2 -9 i की जगह क्या होगा -9 j की जगह 4 मीन्स -5/2। अब फाइनली हम लोग का आंसर क्या निकलेगा, आंसर ये आएगा कि, ठीक है, यहां से देखते हैं, हम लोग को एक डिटरमिनेंट बनाना, इसका एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें क्या लिखना है, a11 a12 a13 a14, ठीक है। तो a21 a22 a23 a24 a31 a32
A33, A34, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें बोला है 3x4 की रचना के लिए, तो ये 3x4 है क्या? चलो देखो, स्तंभ 1 2 3 और पंक्ति कितना जो है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3x4 का, ठीक है। अब क्या है, सारे वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। A11 की जगह जो है, A22 की जगह जो है, A33 की जगह जो भी है, सारे वैल्यू को पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -1 और -1/2, 0 1/2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, -5/2, -2, -3/2 और -1, ठीक है। यहाँ पे -4, -7/2, -3, -5/2, ये है आंसर, ठीक है। समझ आया ना?